हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है 10 kVA 90 वोल्ट से 440 वोल्ट पर काम करने वाला ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर कोइल वाइंडिंग डेटा के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो इनपुट रेंज रहेगी वो रहेगी 90 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक काम करेगा। 90 वोल्ट से 440 वोल्ट पर काम करेगा और इसकी आउटपुट जो रहेगी आउटपुट रेंज जो रहेगी ये 200 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट से 250 वोल्ट तक ये आउटपुट देता रहेगा। 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट के बीच में ये आउटपुट देता रहेगा। और इस ट्रांसफॉर्मर में जो बोबिन का इस्तेमाल किया जाएगा वो रहेगी बोबिन साइज 4 इंच की बोबिन इसमें इस्तेमाल की जाएगी और इसमें कोर जो डाली जाएगी उसका नंबर रहेगा, कोर साइज रहेगी 8B रहेगा। 8B नंबर की कोर इसमें यूज की जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम इसके टर्नों पर आते हैं। तो इसका जो मैं आपको TPV बता देता हूँ, इसका TPV जो रहेगा वो TPV इसका ये रहेगा 0.625, ये इसका TPV रहेगा। और इसमें हम अब टर्न देंगे तो सबसे पहली लूप जो रहेगी हमारी, हम इसको टर्न देना शुरू करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। 137 वोल्ट के लिए पहली लूप निकालेंगे हम, और हम उसके लिए 35 टर्न इसमें देंगे 35 टर्न। उसके बाद हमारी 200 वोल्ट की लूप रहेगी और इसमें टर्न जो देंगे हम वो 125 टर्न देंगे। और अब हमारी जो है वो तीसरी लूप रहेगी 240 वोल्ट की, इसके अंदर हम 150 टन देंगे। उसके बाद जो है हमारी लूप रहेगी 4 नंबर की, और 4 नंबर की लूप जो रहेगी वो 290 वोल्ट के लिए रहेगी और इसमें हम टर्न देंगे 181 टन। उसके बाद हमारी फाइनल लूप रहेगी। फाइनल लूप में हम जो है 418 वोल्ट की, इसमें हम 256 टन देंगे। तो इस तरह से ये टर्निंग होगी हमारी, इतने इतने टर्नों पर और इतने इतने वोल्ट पर, इतने वोल्ट की लूप पर इतने इतने टर्न हम देंगे। 5 लूप हो गई ये टोटल हमारी। अब हम इसके SWG की बात कर लेते हैं, ये इसके अंदर कौन से वायर के इस्तेमाल करना है। तो हम जो स्टार्ट करा था 0 से लेकर जो स्टार्ट किया था, तो ये यहाँ से 0 से 4 नंबर की लूप तक हम जो इसके अंदर यूज करेंगे वायर का, तो वो वायर रहेगा SWG। यहाँ पर मैं लिखता हूँ SWG
SWG 10 नंबर के वायर का इस्तेमाल हम करेंगे। एक से ले यानी जीरो से चार नंबर तक, चार नंबर की लूप तक हम SWG 10 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, और चार नंबर से लेकर चार नंबर से पाँच तक जो हम इस्तेमाल करेंगे वो रहेगी हमारी SWG 11 नंबर का रहेगी। चार से पाँच तक हम 11 नंबर का इस्तेमाल करेंगे, और जीरो से जो स्टार्ट करेंगे हम वो चार नंबर तक वो 10 नंबर के SWG वायर गेज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चार से पाँच तक के लिए हम 11 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड्स अब जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यानी कि इसके अंदर एक हम छोटी वाइंडिंग करेंगे जो माइको किट की रहेगी, तो उसके लिए हम ये यहाँ पर ये माइक्रो किट के लिए रहेगी, और ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, और इसमें टर्न जो देंगे हम वो रहेगा ये 22 वोल्ट की रहेगी, और ये टर्न देंगे हम इसमें 15 टर्न इसके अंदर हम लगाएंगे। और इसका SWG वायर जो रहेगा, SWG वायर गेज जो रहेगा, SWG वो रहेगा 24 नंबर 23 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 24 या 23 का। तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये कॉपर का हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें कॉपर वायर होगा। कॉपर वायर, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको डेटा बताया है, ये 10 KVA 90 वोल्ट से 440 वोल्ट पर काम करने वाला ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर का कोइल वाइंडिंग डेटा है। तो आप इस तरह से इस स्टेबलाइजर के ट्रांसफॉर्मर को वाइंडिंग कर सकते हैं।